शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब वो लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आए थे और उसके बाद अब कई सालों बाद शरद पवार यहाँ पहुँच रहे हैं लालबाग के दर्शन के लिए, जिसकी तस्वीर आते हैं। तो चुनाव से पहले शरद पवार का लालबाग के राजा का दर्शन करना कई मायनों में बड़ी बात मानी जा रही है। शरद पवार के ठीक बाद अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी तरफ से यहाँ पर दर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, लालबाग के अलावा चिंतामणि गणपति, जो महाराष्ट्र की मुंबई की खास गणपति मानी जाती है, शरद पवार वहाँ पहुंचकर भी दर्शन करेंगे। तो ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं लालबाग के राजा मन्नतों के राजा माने जाते हैं। कई राजनेता अभिनेता यहाँ पर माथा टेकते हैं और ऐसे में जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उसके बाद, यानी कि तकरीबन 30 से 40 साल बाद अगर बात मानी जाए, तो अब जाकर शरद पवार यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो एनसीपी के नेता हैं उनके साथ मौजूद हैं। लालबाग के मंडल की तरफ से उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। शरद पवार ने यहाँ पर माथा टेका है, लालबाग के राजा के चरणों तक वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद गृहमंत्री भी पहुंचेंगे। गृहमंत्री हालांकि कई सालों से यहाँ पर आते हैं, लेकिन शरद पवार का लालबाग के राजा के दर्शन करना ये एक बड़ा मैसेज जो है चुनाव से पहले देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। शरद पवार को आप देख सकते हैं, उनके परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद हैं, हाई सिक्योरिटी में उनको लाया गया उनकी उम्र को देखते हुए। और ऐसे में यहाँ पर शरद पवार ने लालबाग के राजा का दर्शन कर लिया है, इसकी कई मायने माने जा रहे हैं। और ऐसे में अब चुनाव से पहले गणेश मंडल and definitely